गोस्वामी मोहम्मद इलोरा पार्क पे। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो गाइज, मैंने बोला था कि अगले ब्लॉग में कि हम जो फूड रिलेटेड ब्लॉग आएंगे और जो हमारे वडोदरा में जो खाने की फेमस जगह है वो हम कवर करने वाले हैं। तो गाइज, उनमें से आज दूसरी एक जगह हम कवर करने वाले हैं जो है गोस्वामी मोमोज। जो प्योर वेज मोमोज मिलते हैं वो फेमस है, तो हम वहाँ पर जाके टेस्ट करेंगे, फिर आपको बताएँगे और कहाँ पर वो भी मैं बता दूँगा और डिस्क्रिप्शन में मैं उसका एड्रेस दे दूँगा। तो चले फिर वहाँ पर मिलते हैं। Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. So guys, finally हम पहुंच चुके हैं। देखिए नीचे गोस्वामी मोमोज। अभी हम देख रहे हैं कौन सा ले, फिर आपको बताता हूँ टेस्ट। चलो मैं दिखाता हूँ आपको। तो गाइस ये देखिए गोस्वामी मोमोज। तो गाइस ये रहे अंकल। अभी अंकल को हम प्राइस पूछते हैं कौन से मोमोज है। अंकल कौन से मोमोज है? वेज वाला है, पनीर वाला है, चीज़ वाला है। हाँ, वेज पनीर और चीज़ और प्राइम है। हाँ, तो भी उसका क्या प्राइस है? वेज का स्टीम वाले का 60 रुपये है। 60 रुपीज़ वेज का, 60 रुपीज़ चीज़ का। चीज़ का यानी कि 80 है। 80 में 12। 80 में 12। और पनीर? पनीर में 60 में 8 है। 60 में 8 पनीर में। और प्राइम में? प्राइम में 10 रुपये एक्स्ट्रा। 10 रुपये एक्स्ट्रा। तो गाइज ये था पूरा प्राइस अंकल ने बताया। तो गाइज अभी हमने हाथ सैनिटाइज कर लिए और पीछे देखे मोमोज भी ले लिए। अभी टेस्ट कर रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं ये रहे मोमो मीर। तो गाइस फिर बताता हूँ अभी टेस्ट करके। ये रहे मोमोज। अभी पहले मैं ट्राई कर रहा हूँ मायो के साथ। अभी चटनी के साथ ट्राई कर रहा हूँ। चटनी कैसी है? तीखी है लेकिन बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी दोनों के साथ बहुत, उसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है, खाने में भी बहुत अच्छा है और माया के साथ भी बहुत अच्छा लग रहा है और दोनों के साथ अच्छा लग रहा है। सिर्फ आप तीखी चटनी के साथ खाओगे तो तीखा लगेगा लेकिन दोनों के साथ खाओगे तो बहुत अच्छा लगता है। और इसका आफ्टर टेस्ट कैसा लग रहा है? आफ्टर टेस्ट तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया आफ्टर टेस्ट है ये देखिए। और यहाँ पर शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। हाँ, और यहाँ पर बहुत भीड़ होती है शाम को। ठीक है, इसके ऊपर जो ये डालते हैं चाट मसाला बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और स्पेशली तो आप ये मायो के साथ खाओ, क्या लगते हैं गाइस।
आकर तो क्या लगते हैं यार, सब देख रहे हैं उनके मुंह में पानी है। सो गाइज अभी हमने वेज मोमोज ट्राई कर लिए, अभी चीज़ मोमोज ट्राई कर रहे हैं, अभी देखते हैं ट्राई करते हैं कैसा है, फिर आपको दिखाते हैं। सो गाइज ये चीज़ मोमोज है, अभी चीज़ लिया है और वेज भी है पनीर भी है। अंदर की फीलिंग तो गाइस देखिए, इसके अंदर की फीलिंग कैसी है, बहुत ज़्यादा गर्म, क्या बात है, क्या बात है, अरे गिर जाएगा ये देखिए, इससे धुआं निकल रहा है, धुआं धुआं, ये मीठा दिख रहा है, खा जा। तो ये रहे हमारे चीज़ मोमो। तो गाइस अभी चीज़ मोमो ट्राई करते हैं, ये रहा मायो मायो विथ चीज़, मायो विथ चाय। क्या है मायो विथ चीज़, अभी चीज़ विथ चटनी पायलवारी, मेरे को पर्सनली अकेली चटनी नहीं पसंद है, मेरे को मायो पसंद है। अभी दोनों में सेजवान, सेजवान के साथ कैसा लगे? नहीं मेरे को बहुत क्या बोलते हैं तीखा लगता है। अभी दोनों इसकी फीलिंग कैसी लगी? क्या मज़ा आ जाएगा, बहुत फेमस है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अभी मेरे साथ मिहिर भी है, आप एक बार ज़रूर आकर ट्राई कीजिए क्या लगता है। और मायोनीज के साथ तो यार पूरा मायोनीज में डुबा डुबा के क्या लगता है यार। तो गाइस हमने फाइनली मोमोज खा लिए, उसका टेस्ट बहुत था, हमने वेज ट्राई किया और चीज़ ट्राई किया, कैसा था मिहिर? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही। ये रहे अंकल। सो गाइस ये रहा, और ये है पुराना डोमिनोज है, उसके एग्जैक्ट सामने है, इलोरा पार्क में, बहुत अच्छा टेस्ट है, आप एक बार जरूर से आकर ट्राई कीजिए, बहुत बढ़िया है। चलिए तो गाइस अभी हम घर जा रहे हैं, ये था आज का व्लॉग, व्लॉग अच्छा लगे तो व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं एक व्लॉग में, तब तक के लिए वो बाय, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बहुत अच्छे थे, आप एक बार जरूर से आकर ट्राई कीजिए। और अभी तो थोड़ा अंधेरा हो गया है, अभी हम घर जाएंगे, ठीक है, बाय।